हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ द लेटेरियल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ अ 94.2 सेंटीमीटर क्यूब 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है, एंड इट्स हाइट 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसकी रेडियस बतानी है और इसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, और पाई की वैल्यू में 3.14 यूज़ करनी है। तो बेसिकली फ्रेंड, जो मेरा सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके का है, इसकी मुझे हाइट तो गिवन है, ये हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, बट इसकी जो बेस की रेडियस होती है ये मालूम नहीं है, ये मेरे को निकालनी है। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ सिलेंडर, जिसको हिंदी में बोलेंगे बेलन, जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर बट रेडियस मिसिंग है। ठीक है, रेडियस में क्या मिसिंग है वो निकालनी है, बट उसके लिए मेरे को लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया हिंदी बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड, पहले मैं लेटरल सरफेस एरिया होता क्या वो आपको बता दूं। जैसे फ्रेंड, मैंने एक सिलेंडर का एग्जांपल लिया है, सेंटर से जाने वाले इनको रेडियस, जो ये वाला हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, ये वाला, ये इतना पोर्शन, ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला कितना होता है 2πRh, और इधर रखा 94.2। जो चीज़ हमें गीवन है हमें उसी चीज़ को उसके इक्वल कर देना है, हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है तो हमें उसी के इक्वल कर देना है, दोनों को इक्वल कर दिया, फिर हमें इसको सॉल्व करना है। दो पाई की वैल्यू 3.14, आर मालूम नहीं है, एच कितना है 5, 94.2। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला काम किया मैंने डेसिमल को हटाने का, पॉइंट के बाद दो नंबर है, नीचे आगे 20 इंटू में आर इंटू में एच, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मैंने नीचे 0 लगा दिया ताकि उसकी वो हट जाए। ठीक है, एच को यहीं पर रहने दो, 942 अपॉन में 10, एच को यहीं, सॉरी आर को, तो एच की वैल्यू मेरे को 5 दे रखी है, यहाँ रख दो, हमें निकालनी है आर की वैल्यू, तो आर को तो यहीं रहने दो, बाकी सारे ट्रांसपोज कर देंगे, जो नंबर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे, ऊपर वाला नंबर नीचे और ऊपर वाला नंबर नीचे। ठीक है, अब हम काटना शुरू करते हैं, 0 से 0 कट गया, अब देखो फ्रेंड 5 टू जा कितना होता 10, इन दोनों से ये कट गया 942, 314, 314 का अगर हम टेबल पढ़े, 314 थ्री जा 942, ठीक है, 942 में अगर हम डिवाइड देंगे 314 का, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये कौन आ गई इसकी रेडियस। मेरा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट, फिर बात करते हैं दूसरे पार्ट की, दूसरे पार्ट में बोला इसका वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वेयर एच, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, आर 3 है बट स्क्वेयर लगा है इसलिए दो बार, एच, एच कितना दे रखा है 5, 3.14, 5 थ्री 15, 15 थ्री 45, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो ये आ जाएगा मेरा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का, कि यानी किसके अंदर कितना वजन भर सकते हैं आप, कोई चीज़ फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, और फ्रेंड नए आए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर में अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।